स्टार्ट हो गया है। यस बेटा, साईराम टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास बाय चैंटिंग ओमकार 3 times. ऑल ऑफ यू कैन जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। Sairam, okay. Sairam to all of you once again. Sairam, yes. Sairam to all of you once again. Yes. Sairam, ma'am. Okay. इसने भी Sairam नहीं बोला, एक बार Sairam बोलो फिर. Sairam, ma'am. 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 Sairam, मैं देख रही हूँ, कम से कम 10 बार बोल दिया. दिस इज कॉल्ड इनडिसिप्लिन. ठीक है, मुझे दिख रहा है. हाँ, यस यस. ओके साईराम, बट एक बार साईराम बोल दिया तो बहुत है, समर्थ लौदा बहुत है. ठीक है, ओके ओके. ऑल ऑफ यू साईराम, ऑल ऑफ यू. ओके ओके बेटा, तो अभी 41 बच्चे हैं. अब थोड़ी सी देर बाद हम गूगल फॉर्म का करेंगे. अब ये जो है अपना होमवर्क दिया था, ओके होमवर्क दिया था ना, ओके. अब सबसे पहले हम होमवर्क को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम गूगल फॉर्म पे आ जाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. अक्षिता आप मुझे बताइए. ठीक है अक्षिता, आर यू रेडी? यस मैम, यस मैम. हाँ यस बेटा, तो पहले होमवर्क डिस्कस करना है, फिर एक छोटा सा चीज सीखना है, उसके बाद वी विल गो टू गूगल फॉर्म. गूगल फॉर्म तो 5 क्वेश्चन करने में 3 मिनट ही लगेगा आपको. ठीक है, ओके. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. मम्मी को बोला शांतनु साईराम, बस बस अभी साईराम और ये सब लिखना बंद कर दो मैम. आप कॉपी लेकर तैयार बैठिए. यस मैम, दिख रही है. आ गया क्या बेटा? ओके यस यस मैम, यस विजिबल. ओके, अक्षिता से मैंने पूछा. ठीक है, अक्षिता से, अक्षिता से, और सबको चिल्लाना नहीं है. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. सो मैम विजिबल बोल दो उसका ना. आई स्टार्टेड डिस्कसिंग. मेरा गूगल फॉर्म है. क्या बोल रहे है? होमवर्क डिस्कस कर रहे है बेटा, होमवर्क डिस्कस. ओके, आपका होमवर्क रेडी है क्या, ये बताइए सब लोग. यस मैम. के आए हैं? यस मैम. बहुत मैम. यस यस. ओके, फर्स्ट होमवर्क वाज दिस. Somendra paid rupees 2,800 for 8 calculators of the same kind. What will be the price of 1 calculator? ठीक है, ये था आपका first question. 1 minute. Yes बेटा. Okay. ये था आपका first question. इसमें हमको पता है 8 calculators 2,800 रुपीज का है. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आप फर्स्ट लिसन बेटा, स्टेप थोड़ा मेरे से अलग लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मैं लिखूंगी कॉस्ट ऑफ, आप थोड़ा चेंज लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कॉस्ट ऑफ 8 calculators ये दिया है क्वेश्चन में, आपको चेक करना है आंसर. कॉस्ट ऑफ 8 calculators बताइए. हर्षिका कमल बताइए, कॉस्ट ऑफ 8 calculators इज हाउ मच? हर्षिका कॉस्ट 2,800. 2,800 रुपीज. हाँ वेरी गुड. हमको करना है 1 का निकालना है. सो सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास क्लास
फोर्थ बी का अंशुमान मल्लिक ओके बट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप मैम द नेक्स्ट स्टेप विल बी देयरफॉर वन कैलकुलेटर कॉस्ट इक्वल्स टू नो 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 आई एम आस्किंग यू द नेक्स्ट स्टेप कॉस्ट ऑफ क्या ढूंढ रहे हैं व्हाट आर वी फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर इज इक्वल टू 2800 आप लोग डिवाइड का सिंबल डाल ना टाइम लगता है मैं बाय कर देखिए सुनिए आप लोग एक एक बैठ कर चिल्लाना नहीं आप अपना डिवीजन चेक कर लीजिए मैं पेपर में करते करते बताऊंगी ठीक है आपको 8 यूज करना है 8 4s are 32 है 8 3s are 24 है देखो आपका डिवीजन चेक कर लो 28 के नीचे 24 क्वेश्चन में 3 आ गया 8 3s are 24 इसके बाद आप लोग 28 minus 24 किया तो 4 आ गए है ना फिर 2800 का एक जीरो को 4 के नीचे लिख दिया तो 40 हो गया अब हाउ मेनी टाइम्स 40 8 का टेबल में 40 5 times 5s are 40 का मतलब आपके पास आपने 5 लिख दिया 40 के नीचे 40 40 minus 40 is 0 डिवीजन खत्म हो गया क्या नहीं 2800 का एक और नीचे उतारने के लिए बाकी है वो जीरो के पास जीरो को लाओ दो जीरो 40 minus 40 का जीरो के पास उतार दिया 8 का टेबल में जीरो कहाँ आता है 8 0s are 0 ठीक है 8 0s are 0 इसका मतलब 5 के पास जीरो लिख दिया और जीरो के नीचे जीरो लिखकर माइनस किया तो रिमाइंडर इज आल्सो जीरो आपको क्वेश्चन क्या मिला है क्वेश्चन क्या मिला है मैम 350 rupees यूनिट क्या है दैट इज कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर 350 rupees आप एक सेंटेंस लिखेंगे ठीक है और वो सेंटेंस जल्दी से हितांश बताइए बेटा आपका लास्ट सेंटेंस क्या है सो हितांश 350 rupees will be the price50 rupees very good the cost of one calculator is 350 rupees is rupees 300 rupees लिखो otherwise 350 okay this is the answer okay now you can make corrections okay अब यहीं पे पढ़ा है next question ये है 206 saplings were collected from a nursery these saplings were distributed equally among 8 क्लासेस में बांट दिया है 300 and 200 saplings को हर क्लास के बच्चों को लगाना होगा स्कूल कैंपस में हाउ मेनी saplings डिड ईच क्लास गेट हर क्लास को कितने पौधे मिले और हाउ मेनी saplings वेयर लेफ्ट कितना बचा है दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो इसमें सबसे पहले वाला स्टेप क्या लिखेंगे आदर्श मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वर्तिका वर्तिका नंबर ऑफ बोल वर्तिका नंबर ऑफ सैपलिंग्स ओके टोटल नंबर भी हो सकता है सॉरी नंबर ऑफ सैपलिंग सायरा मैम अभी बीच में सायरा नहीं बोला पढ़ाई शुरू हो गया
नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितने हैं? 206. ओके 206. ओके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है बेटा? विनम्र बताइए, विनम्र विनम्र सात्विक 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 आप बोलिए नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है? किया है कि नहीं किया है? सबसे पहले सात्विक करता है क्या काम? मुझे थोड़ा शक है बेटा. नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोलिए जल्दी छोड़ो. ओके मनस्वी बताइए, मनस्वी मनस्वी बताइए बेटा. टोटल पीपल इन द क्लास. टोटल पीपल इन द क्लास इसमें दिया ही नहीं है. 8 क्लासेस है, टोटल क्लासेस उसको छोड़ो, टोटल क्लासेस 8 है. नेक्स्ट स्टेप बताइए सैपलिंग्स. प्रिशा बताइए सैपलिंग्स. मैम सैपलिंग इन ईच क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड. Each class gets, saplings each class gets, हर एक क्लास को कितना मिलता है? 206 divided by 8. ओके आपने डिवीजन किया है ना, 206 by 8 डिविजन आप चेक कर लीजिए, मैं करके दिखा रही हूँ. 8 का टेबल 20 था, 8 2s are 16. गर्वित अपना अपना डिविजन चेक करो बेटा. गर्वित 20 minus 16 आपको मिला है ना? व्हाट इज 20 minus 16 गर्वित? कितना है बेटा? 4. ओके बेटा गुड. 4 के पास आपने 0 को लिख दिया, 40 हो गया. 8 का टेबल 40 था. गर्वित हाउ मेनी टाइम्स 8 इज देयर इन 40? 8 5s are 40. इसका मतलब 2 के पास आपने 5 लिख दिया, 40 के नीचे 40. ओके अब देखो 6 बचा है ना, 6 को नीचे उतारना है 0 के पास. 0 क्या आपको देखना है, और 6 में कितना 8 है बेटा? श्री हरिप्रिया 6 में कितना 8 है बेटा? नो मैम. डिविजन का लास्ट स्टेप बेटा, 6 में आपको 8 0 टाइम्स 8 1 is 8 नहीं है. इसका मतलब 2 5 के बाद 0 लगाएंगे. 0 टाइम्स 8 0s are 0, 6 के नीचे 0 आएगा. 6 minus 0 आपको रिमाइंडर मिलेगा 6. आपका क्वेश्चन क्या है श्री हरिप्रिया? क्वेश्चन क्या मिला हरिप्रिया? 25 0 नहीं लगाया ऊपर, नहीं नहीं 250. सॉरी बेटा, 25. ओके तो आपका आंसर 25. ओके अब कितना सैपलिंग्स बचा है, ऐसा भी एक क्वेश्चन है. कितना सैपलिंग्स बचा है? हाउ मेनी सैपलिंग्स आर लेफ्ट? दोनों को कंबाइंड करके एक सेंटेंस लिखेंगे. ओके रिद्धिमा बताइए वो सेंटेंस. रिद्धिमा बोलिए बेटा लास्ट सेंटेंस. सो मैम ईच क्लास सो 25 सो मैम ईच क्लास ईच क्लास सो ईच क्लास विल गेट 25 वर्ड डिस्टर्ब्यूट सैपलिंग्स एंड कितना बचेगा? आर डिस्टर्ब्यूट एंड 6 आर लेफ्ट. 6 saplings are left. Left. Very good.
सिक्स सैपलिंग्स आर लेफ्ट. थोड़ा सेंटेंस इधर उधर हो सकता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आप आई होप आपने जरूर डिस्कस किया, जो डिस्कशन है समझ में आया होगा, डिविजन कर लिया होगा, आपको आंसर मिल गया. अब आज का काम, आज का डेट डाल दीजिए. इसमें देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करने, कंप्लीट द क्वेश्चंस. देखो आई हैव गिवन यू अ पिक्चर. किसी का माइक चालू है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. ओके, इसमें बिंदी का पैकेट्स है. आप लोग एक काम कर रहे हो, अपने कॉपी में सुनिए, आप लोग अपना कॉपी में ऐसे बिंदी बिंदी नहीं बनाना, ऐसे थ्री 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 ऐसे स्क्वायर्स बना दीजिए जल्दी जल्दी, और उसका एक के अंदर बिंदी लिख दीजिए, और बिंदी बनाने का ना मत जाइए, ये पिक्चर से समझ लीजिए. ओके, थ्री 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 ऐसे, ठीक है, थ्री 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 स्क्वायर्स बना दीजिए और एक के अंदर बिंदी लिख दीजिए, आपको समझ में आएगा ये सब बिंदी का पैकेट है. ओके, तो ये सब बनाने में टाइम जाएगा. ओके, देन उसके नीचे एक सेंटेंस दिया है. सॉरी मैंने एक हेडिंग दिखाना भूल गई. ओके, कंप्लीट द क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन है, ये आंसर ढूंढने का नहीं है. ओके, यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन. बेटा आपने ये स्क्वायर्स बना दिया, नयन, थ्री 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 का लाइन में बना दिया, यस और नो? ओके, अब उसके नीचे आप ये सेंटेंस लिख दीजिए, वन बिंदी पैकेट कॉस्ट 15 रुपीस. मैम मैं ये सुन नहीं पा रही है, एक प्रॉब्लम सॉल्व. ठीक है, अभी आप सुनो, मैंने कुछ स्पेशली नहीं बताया, मैंने बोला इसे थ्री थ्री बॉक्सेस बना दीजिए, नाइन बॉक्सेस, बिंदी ड्राइंग नहीं करना, इतना ही बोला है. ठीक है बेटा, उसके बाद यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस, वन बिंदी पैकेट कॉस्ट 15 रुपीज. ये एक क्वेश्चन का एक सेंटेंस दिया है. फिर डैश है, ये डैश में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है इस पिक्चर के हिसाब से. तो सोचो, एक क्वेश्चन बनाना है, एक सेंटेंस दिया है, इसमें बताया एक बिंदी पैकेट 15 रुपीज का है, क्या क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें? सब लोग सोचिए क्या क्वेश्चन बना सकते हैं. अक्षिता बताइए, फुल ऑफ इनडिसिप्लिन. अगर एक बच्चा बोलते हैं बाकी चुप रहते हैं तो सुनाई देगा ना मैम? अक्षिता, ठीक है, अक्षिता बोलेगी, बाकी सुन लो. अक्षिता बोलो, स्टार्ट करो. वन बिंदी पैकेट कॉस्ट 15 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ नाइन बिंदी पैकेट. वॉट इज द कॉस्ट ऑफ नाइन बिंदी पैकेट, ये सेंटेंस हमको जोड़ना है. ओके, अब एक बच्चा बताइए, प्रिशा. मैम रिद्धि, आंसर नहीं चाहिए ना, आपको क्वेश्चन बनाना है. अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये कुशाग्र सुनता नहीं है. बेटा हमको आंसर नहीं चाहिए, क्वेश्चन बनाने का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनेगा. और कोई एक बच्चा और बोलिए. मैम प्रिशा, उदिता बोलिए. बाकी लोग चुप रहिए, जल्दी बेटा. बेटा टाइम नहीं लेना, जल्दी बोलो. दिविता बोलिए, दिविता. मैम अंशुमान. बेटा भले अंशुमान बोलो. मैम बोलो,
मैम नाइन बिंदी पैकेट कॉस्ट अक्षरा ने बिल्कुल सही बताया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी बिंदी पैकेट्स आर देयर इन द पिक्चर जल्दी से लिख दीजिए हमको यहाँ से जाना है ओके ये डैश में ठीक है और क्वेश्चन मार्क इसी से क्वेश्चन तो डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन मार्क ठीक है क्वेश्चन मार्क लिखना भूलना नहीं है ओके तो अब देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वन बिंदी पैकेट कॉस्ट 15 रुपीज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 बिंदी पैकेट्स समझ में आ गया ना मैम जो मैम सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 बिंदी पैकेट्स लिख सकते हैं मैम सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 बिंदी पैकेट्स लिखना क्वेश्चन में साइन सो नहीं लिखना बेटा क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाना है सो मतलब वो सेंटेंस हो गया वो क्वेश्चन नहीं है ठीक है नाउ यू विल गेट अनदर पिक्चर आप तीन बॉल्स बना दीजिए जल्दी से तीन राउंड बना दीजिए ऐसे एस लग जल्दी से छोटा सा तीन बॉल बना दीजिए बॉल्स बनाकर उसके नीचे ये सेंटेंस लिखना है थ्री बॉल्स कॉस्ट 150 रुपीज थ्री आंसर नहीं चाहिए क्वेश्चन बनाने का है ये क्वेश्चन ठीक है थ्री बॉल्स कॉस्ट 150 रुपीज थ्री बॉल्स बनाना है आपको उसके नीचे यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस थ्री बॉल्स कॉस्ट 150 रुपीज इसका मतलब है ये तीन बॉल का कीमत 150 रुपीज अब आगे आपको ये क्वेश्चन बनाना है इसमें से हम क्या ढूंढ सकते हैं वेरी गुड वेरी बेटा वेरी गुड सब माइक ऑफ कर दीजिए वेरी बैड ये कोई तरीका है क्लास में बैठने का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं नाम बुलाऊंगी वही बच्चा बोलेंगी ठीक है अनन्या का सर बेटा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप चिल्ला रहे हो अनन्या का सर बोलेगी बाकी लोग सुन क्या पूछा था मैम मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही कोई भी अपना नाम नहीं बोलना ठीक है अक्षिता मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आपको यस मैम अक्षिता बेटा लाउड एंड क्लियर ओके बेटा वेरी गुड और ये अनन्या मुझे सुना मेरी आवाज सुन रही हो अनन्या आप बोलिए ये आपका चांस बाकी लोग सुनिए अनन्या इसके आगे आप क्वेश्चन बना लीजिए थ्री बॉल्स कॉस्ट 150 रुपीज तीन बॉल 150 रुपीज का है क्या क्वेश्चन का चांस है यहाँ पे व्हाट बनाओ बनाओ बताओ वेरी गुड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सब लोग लिख दीजिए व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वन बॉल और क्वेश्चन मार्क लिखना नहीं भूलना क्वेश्चन मार्क ठीक है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वन बॉल ओके इस तरह से सिचुएशन को देखकर क्वेश्चन बनाने का क्वेश्चन है ये इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में भी है ठीक है अगर टाइम मिला तो हम जाएंगे उसमें ओके अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर ये क्या किस चीज का पिक्चर है बेटा बताइए राखी आप लोग टाइम नहीं लगाना ऐसे छोटे से वन कितने राखी है 1 2 3 4 5 फाइव राखीज बना दीजिए ऐसे धागा और एक बीच में एक राउंड बना दीजिए फाइव राखीज बना दीजिए जल्दी से सुंदर नहीं बना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी ठीक है छोड़िए मैंने क्वेश्चन पूछा था चांसेस ओवर जाने दो कोई बात नहीं
ओके नो प्रॉब्लम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए बेटा. ये है 1 2 3 4 5 राखीस बना दीजिए. ऐसे धागा बनाया बीच में खड़ी जैसे एक राउंड बना दिया. 5 राखीस जल्दी से बनाकर यू कैन मेक यू कैन राइट दिस सेंटेंस. राजी पेन मैम थोड़ा ऊपर बोलो. बोलिए बेटा. हाँ मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. बेटा ये राखियां बना दीजिए सब लोग. 5 राखियां. मैं थोड़ा ऊपर का दिखा देती हूँ ठीक है. 3 बॉल्स कॉस्ट 150 रुपीज. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है ठीक है. बाकी बच्चे 5 राखियां बना दीजिए तब तक ठीक है. ओके ओके इसको डिस्कस करके हमें खत्म करना है. नाउ यू कैन राइट दिस सेंटेंस. 10 रुपीज 100 टू बाय दिस राखीज. KHIS ओके KH ओके. राजी स्पेंड ₹100 टू बाय दिस राखीज. राजी ने ये 5 राखी खरीदने के लिए 100 रुपीज स्पेंड किया खर्च किया. इसके आगे हमको क्वेश्चन बनाना है ठीक है. इसके आगे हमको क्वेश्चन ठीक है. 100 रुपीज में राजी ने ये सारे राखियां खरीद ली. इसका मतलब 5 राखियों को खरीद लिया 100 रुपीज में. और अथर्व अग्रवाल आप क्वेश्चन बना सकते हो. अदर यस मैम. इसके आगे आप एक क्वेश्चन बना सकते हो. आप बोलो बेटा. व्हाट विल बी बोलो बेटा. 5 राखी 100 रुपीज का है. अपन क्या ढूंढेंगे. व्हाट विल बी What is the cost of 1 rakhi? One rakhi. Okay, good. 1 rakhi. KHI. ओके क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना. क्वेश्चन का भी मार्क्स. अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आधा नंबर जाता है एग्जाम में ठीक है. इसलिए ध्यान रखना. ओके ये लास्ट है. अब मैं ये लास्ट वाला नहीं दिखा रही हूँ. इतना करो इसके बाद जाएंगे गूगल फॉर्म ठीक है. ओके आई स्पेंड ₹100 टू बाई दिस राखीज. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 राखी. ठीक है आपने लिख दिया क्वेश्चन. आपके बुक में भी इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिख दिया आपके बुक में. यस सबने लिख दिया. पेज नंबर सब बाद में बताऊंगी. आप बुक खोल के देखो ना. यस मैं इसको वो कर दूं. स्टॉप शेयरिंग कर दूं. ओके मैम. ओके मैम सबका. यस मैम कंप्लीटेड. ओके मैम राइटिंग कंप्लीटेड नो. ओके ठीक है. फिर बाद में अटेंडेंस भी सब लेने के बाद फिर मैं आपको बुक का लास्ट में बताऊंगी दिखा दूंगी ठीक है. अभी मुझे अटेंडेंस लेने दो. सायरा मैम. ठीक है बेटा. अब स्टॉप शेयरिंग तो कर लिया. स्क्रीन ये कर दिया. अब मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ ठीक है. ओके यस बेटा. अब आपको आपको अपना वो पता है ना क्या बोलते हैं. यस मैम ईमेल पता है ना. पता है ना सबको. यस बेटा अब मैं लिंक भेजूंगी ठीक है.
लिंक भेजूंगी, आप लोग बहुत ध्यान से करना, ठीक है? क्लास फोर का है, ठीक है? बेटा मैं लिंक भेज रही हूँ, ठीक है? आप कर देना। भेज दिया बेटा, भेज दिया, मिल गया। ओके ओके ओके, अब कर लो, आराम से करो। और ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरना है आपको, आराम से करो, आराम से, बहुत आराम से करो। खुल रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कर लो, यस और नो बोलो। मिल गया? यस आदर्श आनंद, आपको मिल गया? यस आर्यन साहू, यस यस मैम अस्मिता, कर लो कर लो। आर्यन साहू, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम, मैं लेफ्ट हो गई थी। कौन लेफ्ट हो गया? मैं एक बार और सेंड कर रही हूँ, एक बार और, ठीक है मैम? एक मिनट रुको रुको रुको, मैम अभी तक नहीं आया। आया नहीं है बेटा, तो दोबारा से लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अभी भेजूंगी, ठीक है? अब फिर से भेज रही हूँ, जिसको जो भी लीव हो गए थे इसमें से कर लो। आ गया, भेज दिया, फिर से आ गया, मिल गया। ओके ओके, कर लो कर लो, सब लोग करो, सब लोग सबमिट करना नहीं भूलना, सबमिट कर लो। आराम से पढ़ के करना, और सारे क्वेश्चंस करना है, नेम लिखना है, ईमेल आईडी भरना है, और सबमिट भी करना है। अब का रिकॉर्ड मिल गया? मैं रिकॉर्ड अभी नहीं देख रही हूँ, एनीवे बाद में देखना है। हो गया तो योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ऐसे लिख कर आए तो आपका हो गया काम, ठीक है? मैं बाद में देखो। ओके ओके, सेंड कर लो, सबमिट करो, खत्म। रिकॉर्ड वर्कआउट सब। हो गया तो चुपचाप रहिए बेटा, इसका नहीं हुआ उसको करने दो। सबका हो गया? मैम मेरा चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। चैट बॉक्स आपका ओपन नहीं हो रहा है? किसका किसका? मैम अनन्या। अनन्या घर में किसी का मदद लीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ आपका चैट बॉक्स के लिए? आप घर में किसी का हेल्प ले लीजिए बेटा, कॉल कॉल समवन फ्रॉम होम। किसी को, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप किसी को बुलाइए बेटा, घर पे किसी को बुलाइए, कर लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, आप बुलाइए। मैम डन। ओके बेटा डन। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? अनन्या का चैट बॉक्स नहीं खुल रहा है, वो उसका अपना डिवाइस का प्रॉब्लम है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई तकलीफ है तो बताइए। सौरभ डाऊ, आपका भी हो गया सबमिट? सौरभ सौरभ मैम डन डन। अनीश रॉय, आपका भी हो गया? यस यस मैम डन। कुछ तो बोलो, जिसको प्रॉब्लम है वो बताइए। मैम डन। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। बोलिए। विनम्र का हो? अर्जुन अर्जुन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मेरा नहीं हो रहा। बोलिए बेटा,
क्या हुआ आपको लिंक नहीं मिला? लिंक नहीं मिला क्या? मैम लिंक तो मिल गया था, खुल भी गया था, पर मैम वो जब मैं मैम वो कर रहा हूँ ना तो टच ही नहीं हो रहा। वन मोर टाइम पर नेम नहीं दिखाया जा रहा। वन मोर टाइम बेटा, वो आपका डिवाइस का प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है ना। वो घर में किसी को दिखाइए, घर में किसी को दिखाइए बेटा। ओके मैम। तो वो मैं क्या कर सकती हूँ, आपका डिवाइस का प्रॉब्लम है ना। अब दीदी को किसी को दिखाइए। ओके हाँ यस बेटा, अब आप दिखाइए। अब लिंक भेजने की जरूरत है तो बताइए, नहीं तो मैं क्लास आगे बढ़ाती हूँ। टाइम बाकी है, बुक दिखाना है आपको। बुक दिखाऊं आपको? यस और नो बोलिए, कुछ तो बोलिए। yes, बच्चों आप yes, तो बोलो, हमने कर ली ना। हाँ यस यस यस। अब आप एक काम करो, आप बुक निकाल दीजिए। सबका हो गया इसलिए सब लोग चुप है। बुक निकाल दीजिए बेटा, कल आपका गूगल फॉर्म का एग्जाम है, सबको आना है और टाइम से अपना नेट भी स्ट्रॉन्ग रखना है, ये सब ध्यान रखो। आप बुक निकाल दीजिए। अभी जो हमने किया इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ बुक में। इन योर बुक हो गया बेटा, मैंने भी वो छोड़ दिया काम, आगे बढ़ रही हूँ। आप बुक में 130 पेज इन द बुक। लोग थोड़ा वीडियो खोल के, क्या गूगल फॉर्म नहीं खोल? मनस्वी मनस्वी मैम बेटा नहीं खुल रहा था। आपका डिवाइस का प्रॉब्लम, आप देखिए आपका अकाउंट आपका ही है क्या? कोई नेट नेट मैम नेट अच्छा नेट ऑन नहीं होगा? मनस्वी मैं क्या कर सकती हूँ? आपको लिंक तो मिल गया ना, लिंक भेजना मेरा काम था, लिंक मिल गया, वो खुलेगा ना। आप और ट्राई करके चेंज करके देखिए। मनस्वी आप अपने मम्मा का हेल्प ले लीजिए बेटा। मनस्वी मनस्वी मैम हेल्प कर ले लो मम्मी का, शायद आप नहीं खुल रहा होगा। खुल रहा किसका? मैम दुर्वा का। दुर्वा आपका आपको लिंक मिल गया क्या? यस मैम लिंक मिल गया, लेकिन गूगल फॉर्म नहीं खुल रहा। बेटा आपका कोई प्रॉब्लम है? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। दुर्वा घर में किसी का हेल्प ले लीजिए। यस मैम। मैम मैम गूगल फॉर्म दुर्वा का और लास्ट में एक क्लास खत्म होने के बाद चुप रहो, मैं ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व करूं, वेट करो बेटा। हाँ यस बेटा, और दुर्वा 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 और मनस्वी क्लास खत्म होने के क्लास थोड़ा रुक जाना, बताना आपका हो गया क्या नहीं हो गया। ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोनों लोग बता देना। दुर्वा का खुल गया क्या? दुर्वा बताइए। हेलो मैम मैं अर्जुन की मम्मी बोल रही हूँ। हेलो बोलिए। हाँ जी मैम अर्जुन का भी नहीं खुल रहा है, अर्जुन का भी नहीं खुल रहा है गूगल फॉर्म। वो आपका प्रॉब्लम डिवाइस का कुछ होगा, बाकी सारे बच्चों का खुल गया है। दो तीन बच्चे बचे हैं, बाकी सबका खुल गया है। आप अपना डिवाइस देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम है कि मेरे तरफ से क्या प्रॉब्लम है, सबका खुल रहा है। मैं एक काम करती हूँ, बाद में क्लास हो कोई बात नहीं, क्लास होने के बाद व्हाट्सएप में भेज दूंगी, व्हाट्सएप में भेज दूंगी, तब देखना खुल रहा है कि नहीं। ओके ओके, ये आपका डिवाइस का देखिए आप, मैं क्यों यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। मैं जो है ना अर्जुन अपने नाना जी के यहाँ पे आया है, तो नाना जी का डिवाइस है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो प्रॉब्लम है उसमें, अकाउंट किसका खुला पड़ा होगा ये भी प्रॉब्लम है। आप एक और बार किसका अकाउंट? वो मुझे मुझे आता नहीं है, ज्यादा सोनाली कर देती थी अब सोनाली है। तो आपको एग्जाम है, एग्जाम है, आप जरूर तैयारी में बैठना।
जी मैम ओके कल एग्जाम है ठीक है। मैं बुक में आगे बढ़ रही हूँ ठीक है बच्चों। पेज नंबर 130 पेज नंबर 130 देख लीजिए। इसका भी गूगल फॉर्म नहीं यथार अभी नहीं यथार अभी तक क्या कर रहा था यथार अभी अभी तक क्यों नहीं बताया कितने बार पूछा कब तक पूछा बेटा मैम आपने सुना नहीं यार ये बच्चे। फिर से सेंड कर रही हो एक बार और ठीक है ट्राई करो बेटा ठीक है एक और बार ट्राई करो। भेज दिया फिर से देखिए आप ट्राई करके देखिए यथार्थ मुझे आगे बढ़ने दो क्लास एंड भी करना है। पेज नंबर 130 वहां देखिए बेटा स्टोरी प्रॉब्लम्स वहां देखो पिक्चर दिखाया है और उस उसमें नेक्स्ट सॉरी 131 पेज 131 प्रियांश 131 पेज नंबर 131 उसमें देखिए वहां देखो राखी का पिक्चर है नीचे क्वेश्चन बनाना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए शुगर पैकेट का क्वेश्चन है उसमें नीचे आपको क्वेश्चन कंप्लीट योर क्वेश्चन करके कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद पेज नंबर 132 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 ये सब आज हमने जो किया इसी तरह का क्वेश्चन है आपको ये सब कंप्लीट करके रखना है। कल मैं आपसे गूगल फॉर्म एग्जाम के बाद पूछूंगी ठीक है। आज टाइम हो गया मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। जिसका गूगल फॉर्म नहीं हुआ है वो क्लास लीव नहीं करेंगे वो बैठ रुकेंगे मैं उनसे बात करूंगी ठीक है ओके। सो ऑल ऑफ यू कैन जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ टुडे ये होमवर्क करना है कल डिस्कस हो जाएगा। शांति शांति शांति। थैंक यू मैम बाय मैम।